हेलो नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। और देखिए लेखपालों की एक और नई भर्ती आ रही है आपकी 4000 पदों पर। तो जिन लोगों ने 2021 वाला पैट जो 2021 का पैट हुआ था, जिन लोगों ने वो सीरियस नहीं लिया था, या तो वो एग्ज़ाम देने नहीं गए थे पैट का, या फिर कम परसेंटाइल आए थे, उन लोगों के लिए लेखपाल बनने का एक और सुनहरा मौका आ चुका है। आपको पता है 8500 के करीब पदों की प्रक्रिया चली रही है, जिसका 19 जून का एग्ज़ाम है लेखपाल का। आज का न्यूज़पेपर है ये, देखिएगा इसमें क्या बात कही गई है कि लेखपालों के 4000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। राजस्व परिषद लेखपाल ने खाली पदों के जो है आपका इनका, ये आप जूम करके इसको पढ़ लेना, मैंने पढ़ लिया है। तो 3 मई तक इसका जो है, 3 मई तक इसका जो है रिकॉर्ड मांगा गया है कि 3 मई तक हमें ये बता दो, 3 मई तक हमें ये बता दो कि भाई आप कितना इसमें आपका जो है, कितना इसमें आपके पद खाली हैं, कितना इसमें क्या क्या है। तो 3 मई तक इसका पूरा रिकॉर्ड चला जाएगा। तो इसमें जो है ना, इसमें देखिए 4000 के करीब इसमें लिख रहा है खुद की 4000 के करीब पद खाली हैं, जिसमें 417 कुल प्रयागराज में आपके पद हैं। तो भाई ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिएगा आपको, देखिए अभी आपको पता है आपका लेखपाल की भर्ती चल रही है 8500 पदों के समथिंग ये वैकेंसी है, उस पर अभी पैट का जो परसेंटाइल कट ऑफ है उसका सस्पेंस बना हुआ है। जो आयोग की तरफ से न्यूज़ निकल के आ रही है ये है कि वो सिर्फ 15 गुना बच्चों के लिए ही तैयार हैं। तो 15 गुना का मतलब आपको पता है, स्वाभाविक सी बात है कट ऑफ जाएगी इसकी बहुत हाई, जो नई वाली जो पुराने वाली वैकेंसी जो 2021 के पैट से हो रही है। तो अब जिन लोगों के मान के चलो 70% है, 80% है, 90% है, वो तो बाहर हो गए, तो उनके लिए एक नंबर का मिल गया है कि भाई 4000 वैकेंसी और आ रही है, 4000 वैकेंसी और आ रही है इसमें, और इसमें आपको पैट 2022 से ही आपको वैकेंसी मिलेगी। पैट 2022 जो आपका आया है, कैलेंडर आपने देख लिया होगा, पैट 2022 का आपका कब का एग्ज़ाम है। तो आपको इसमें सबसे पहली बात तो मैंने देखा था 2021 वाले पैट में बहुत से लोग तो एग्ज़ाम देने ही नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि इससे लेखपाल की भर्ती भी होगी। मतलब सीरियस नहीं ली, क्योंकि पैट पहली बार हुआ था, किसी को इतना ज़्यादा ज्ञान था ही नहीं। मैं सही बताऊँ ना तो मैं खुद पेपर दिखाया था पैट को, और मैंने खुद सीरियस नहीं लिया था, वो एक दिन भी पढ़ के नहीं गया था मैं। खैर मेरा परसेंटाइल ठीक ठाक आ गया था, पर हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती भाई, जिसके तुक्के सही चले जाते हैं, मेरे तुक्के भी थोड़े बहुत ठीक चले गए थे। बट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, तो ये 2022 का जो पैट आ रहा है, मेरे बहुत जानने वाले मित्र ऐसे हैं जिन्होंने ये सीरियसली नहीं लिया, और भाई वो उनके पैट में परसेंटाइल कम है, या फिर वो देने ही नहीं गए। तो ये 4000 पद जो आ रहे हैं, इनसे भी आपका ये मानो एक उम्मीद जगी है कि जिन लोगों के पैट में परसेंटाइल, देखो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जो आपके आयोग के चेयरमैन हैं वो ये बोल दे कि 50% से ऊपर वाले सभी बच्चों को बुला लिया जाए। और जो सुनने में मेरे बात आ रही है, ये उड़ी उड़ी खबर है कि भाई पैट में जो आपके यूपी लेखपाल है उसमें मात्र 15 गुना बच्चे ही लिए जाएंगे वैकेंसी के। मतलब आयोग जो है बिल्कुल भी नरमी बरतने के लिए तैयार नहीं है। आयोग का कहना यही है कि अगर हम 50% से ऊपर वाले, 80% से या 70% से ऊपर वालों को हम सबको ले लेंगे, तो फिर हम पैट कराने का हमारा मतलब ही क्या है, पैट हम कराए क्यों रहे हैं। तो ये बात सामने आ रही है। अब देखो यार इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, जल्दी से आपको शॉर्ट लिस्टिंग की खबर मिल जाएगी कितने परसेंटाइल पर शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा ज़्यादा उस पर कमेंट करूँगा भी नहीं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर आप डिमोटिवेट करते हो, ये करते हो। तो देखो भाई यार मेरा कोई कोर्स तो आ नहीं रहा, मैं कि कोई कोर्स देख रहा हूँ मेरा लाभ हो जाए, मैं बोल दूँ कि 1% वाला भी होगा, तो 99% वाले तक जितने बच्चे हैं सबके सब जो बचे हैं 1% के अलावा सबके सब मेरा कोर्स ले लो। तो भाई मैं तो स्वाभाविक सी बात है, मैं तो आपको एक विंडो दिखा रहा हूँ कि जो लोग गलती कर चुके हैं 2021 वाले पैट में, मैं आपको बस कहने का जो मेरा मतलब ये है, उद्देश्य है कि पैट 2022 को पढ़ के जाना, पढ़ाई करके जाना, अच्छे से इसको पढ़ के जाना, इसमें अच्छे मार्क्स लाना, अच्छा परसेंटाइल लाना। बाद में फिर यार दिक्कत ये होती है ना कि देखो पिछली बार जो लोग पैट सीरियसली नहीं ले पाए थे, मैं खुद जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, उनकी गलती नहीं है क्योंकि पहली बार पैट हुआ था। अब वो बच्चे परेशान हैं कि सर शॉर्ट लिस्ट होंगे नहीं होंगे लेखपाल के लिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट पैट 2022 में अपनी जान लगा दो, क्योंकि इसमें वीडियो की भर्ती भी आएगी इसी के थ्रू, और आपकी लेखपाल की 4000 वैकेंसी करीब ये भी आएंगी। तो 8000 तो होगी आपकी वीडियो की वैकेंसी, 4000 होगी आपकी लेखपाल की वैकेंसी, तो आप देखिए 12000 तो मोटी मोटी यही वैकेंसी होगी। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आबकारी विभाग की भी वैकेंसी अब जब पैट 2022 से ही होगी, अब इसकी देखिए क्लियरिटी बाद में मिलेगी। मेरा कहने का मतलब ये है पैट 2022 पे फोकस अच्छे से करो, जो लोग पैट 2021 अच्छे से नहीं दे पाए थे, ठीक है। इन द एंड अगर आप ग्रामीण परिवेश की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ चक्षु पब्लिकेशन की बहुत बेस्ट बुक है, और इन्होंने लेटेस्ट पैटर्न पर ये बुक बनाई है। तो जो 2022 का आपका लेखपाल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने सभी की सभी योजनाएँ
सभी की सभी जितने भी नई नवीनतम योजनाएं हैं सभी की सभी इसमें ऐड करी हैं, और बहुत अच्छे से बिल्कुल इन्होंने मतलब सिस्टमेटिक वे से आपका बिल्कुल पूरा सिलेबस तैयार किया गया है चक्षु पब्लिकेशन का। और आपको पता है आजकल बेस्ट सेलिंग बुक है ये, बेस्ट सेलिंग बुक है आपकी, ये आपकी लेखपाल की, इससे ज़्यादा कोई बुक बिकी नहीं रही मार्केट में आपकी लेखपाल के लिए। और ये इसके पूरे टॉपिक्स हैं, ये देखिए पूरा इन्होंने जो है इंडेक्स बना के बताया है कि देखिए क्या क्या है, क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या सब हमने इसमें पढ़ाया बताया है, पूरा इंडेक्स तो बताया गया। और ये देखिए कितने अच्छे से, कितने अच्छे से देखिए पूरा, जैसे ये आपका अध्याय बने तो कितने अच्छे से समझा रखा है ए टू जेड। लास्ट में आपको पता है सबसे बड़ी बात मुझे इसकी क्या लगी, थ्योरी तो इसमें है ही है, लास्ट में आपको ये देखिए ये देखिएगा ये आपको क्वेश्चन भी दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए लास्ट में, तो ये सबसे मुझे बहुत अच्छी बात लगी है एंड में। और ये देखिए अगर आपको चक्षु पब्लिकेशन की बुक और भी लेनी है तो देखिए ग्राम लेखपाल की देखिए इनकी ये भी बुक आती है, एक तो इनकी ये गाइड बुक आती है, ठीक है जी, ये भी ये गाइड बुक है और ये भी गाइड सोलो पेपर वगैरह की है। और ये देखिए ग्राम समाज की मैंने आपको बताई थी, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए बुक खरीदिए, बहुत अच्छी बुक है मेरे हिसाब से और बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम पर, आप देख भी रहे हो चक्षु का मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम पर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने जाके, वहाँ से आप जाके किताब खरीद सकते हो लेखपाल के लिए। इन द एंड जय हिंद जय भारत।